हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई अपडेट। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज है, वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अप्रेंटिस एक्ट 1961 में ये क्लियर किया हुआ है कि ऐसी कंपनीज या एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्रीज जिनमें कुल काम करने वाले कार्मिकों की संख्या, एम्प्लॉयज की संख्या 30 से अधिक है, उनको अप्रेंटिस रखना अनिवार्य है। और ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिनमें कर्मचारियों की संख्या 4 से लेकर 29 के बीच में है, उनको ऑप्शनल ट्रेड के अप्रेंटिस रखने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, एस्टेब्लिशमेंट है, जिनमें कर्मचारियों की संख्या वो 30 से अधिक है। तो ऐसी कंपनीज को अप्रेंटिस इंगेज करने के लिए अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो काफ़ी सरल है, आपको अप्रेंटिस पोर्टल पर ही इसके रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल जाती है। ऑफलाइन कागजी कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अप्रेंटिस पोर्टल पर एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी कंपनी का या इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकती है, क्योंकि अप्रेंटिस इंगेजमेंट से रिलेटेड सारा कार्य है वो अप्रेंटिस पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने वाले कैंडिडेट जिनकी योग्यता 8वीं से 12वीं पास है या जिन जिनके पास ITI की योग्यता है, वही कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा apprenticeshipindia.gov.in, जो कि इसकी अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ITI अप्रेंटिसशिप और ITI रिलेटेड जॉब्स की जानकारी समय पर मिलती रहे। आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं समय समय पर नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। दोस्तों, अब अपन चलते हैं अप्रेंटिसशिप इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पे, और यहाँ पे अपन आ गए। यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक रेड कलर में आपको ऑप्शन शो हो रहा है लॉगिन एंड रजिस्टर का, जो कि राइट साइड में है। आपको इसके ऊपर जाना होगा। सबसे पहले इसके ऊपर जाकर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शंस आएगा कैंडिडेट्स, एस्टेब्लिशमेंट, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, बेसिक BTP और अदर यूजिंग। आपको एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, लॉग इन एज एन एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्टर एज एन एस्टेब्लिश। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है उनको लॉग इन एज एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करना है। जिनका अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको रजिस्टर एज एन एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम फिलअप करना है, जो कि डॉक्यूमेंट्स में आपके एस्टेब्लिशमेंट का नाम है। उसके बाद में आपको एस्टेब्लिशमेंट की टाइप सिलेक्ट करनी है कि कोऑपरेटिव संस्था है, गवर्नमेंट है, PSU सेंटर गवर्नमेंट के अंडर का PSU है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे प्राइवेट सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट करनी है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, क्या है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट की है। उसके बाद में आपको अपने एस्टेब्लिशमेंट के पैन कार्ड नंबर डालने हैं, न कि आपके खुद के, बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट के जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे डाले। उसके बाद में आपको अपने एस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में आपको सिटी सेलेक्ट करनी है और आपकी सिटी के जो पिन कोड नंबर है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में स्टेट का ऑप्शन आता है, तो आपको जो स्टेट है उसका चूज ड्रॉप डाउन से स्टेट का चूज करना है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान डाला है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन यहाँ पे करना है। मैंने जयपुर चुना है तो मैं यहाँ से जयपुर का सिलेक्शन करूँगा। उसके बाद है नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, एस्टेब्लिशमेंट के जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका आपको नेम यहाँ पे डालना है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो या चेयरमैन हो, उसके आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद में आपके जो एस्टेब्लिशमेंट के लैंडलाइन नंबर है विद STD कोड वो डालने हैं। उसके बाद में ऑफिस की जो ईमेल ID है वो आपको यहाँ पर एंटर करने है, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड का सिलेक्शन करना है। पासवर्ड ऐसे होने चाहिए जो आपकी याद रह सके, क्योंकि यही पासवर्ड फिर आपके लॉगिन पासवर्ड भी बनेंगे। इसके बाद आर यू एंगेजिंग अप्रेंटिस अंडर बोर्ड और नेट, इसको आप येस या नो कर सकते हो, जो जो आपके लागू नहीं है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे टिक करके इसको एक्सेप्ट करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक
करना है। जैसे ही आप सबमिट पे करोगे तो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने आपकी कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो शो हो जाएंगे और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इस प्रकार का आपके सामने एक मैसेज आएगा, वो आप रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपके एस्टेब्लिशमेंट के नंबर हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद में आपको लॉगिन करने के लिए आपको जाना है अप्रेंटिस पेज पर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है लॉगिन एज एन एस्टेब्लिशमेंट। इसमें आपको अब सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो ईमेल आईडी आपने पहले डाली थी वो, और यहाँ पे वो पासवर्ड डालने हैं जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाले थे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो एंटर करने के बाद में आप अपने एस्टेब्लिशमेंट के लॉगिन पेज में एंटर हो जाओगे। एंटर करने के बाद में आपको अपने एस्टेब्लिशमेंट की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट एडमिन पे क्लिक करके आप कंप्लीट कर सकते हो। अब एस्टेब्लिशमेंट की प्रोफाइल कैसे कंप्लीट होती है, कैसे एडिट होती है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखकर ये कार्रवाई पूर्ण कर सकते हो। दोस्तों ये तो थी छोटी सी प्रक्रिया, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।